तो हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड कौन से होते हैं पहले देखते हैं। तो जैसे कि ये देखो, ये अपना बेंजीन है, इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच होगा, ठीक है? तो हम इसे बोल देंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है? इसको हम, ये किसके अंदर आते हैं? अपने एरोमेटिक एसिड के अंदर आते हैं। तो पहला क्या है अपने पास? सोडियम बेंजोइट सॉल्ट फॉर्मेशन। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो वेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद एनी बेस, एनी बेस कौन सा हो गया? एनएच हो गया। एनएच को क्या बोलते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो क्या फॉर्म हो रहा है अपने पास? सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। तो क्या आ रहा है इसमें? जैसे ये बेंजोइक एसिड है, देन क्या कर रहा है? एनएच के साथ रिएक्ट करके अपना क्या बना रहा है? सोडियम बेंजोइट सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे देखते हैं, तो जैसे ये देखो, तो ये क्या है अपना? बेंजोइक एसिड है, ठीक है? देन ये क्या करेगा? जो एन ए है, ठीक है, सोडियम है, ये ऑक्सीजन में अटैच हो जाएगा। देन ये जिस, तो जो इसका हाइड्रोजन है, ये अपना ओएच के साथ अटैच हो जाएगा। तो जब ओएच के साथ अटैच होगा, देन क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा, ठीक है? ये रिमूव हो जाएगा, देन ये एनए यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है? तो एनए यहाँ जाके अटैच होगा, देन क्या बना लिया? सोडियम बेंजोएट साल्ट बना लिया और अपना वाटर बना लिया। तो सेकेंड अपने पास फॉर्मेशन ऑफ असाइल हलाइड, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? वेन इट ट्रीटेड विद फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड, इट फॉर्म बेंजोइल हलाइड्स एंड इट गिव्स टू फोस्फराइल क्लोराइड, ठीक है? इसमें क्या आ रहा है? जैसे देखो, जो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? अपना बेंजोइल हलाइड बना रहा है, ठीक है? प्लस अपना फोस्फराइल क्लोराइड प्लस HCl बना रहा है, ठीक है? जैसे देखो, तो ये अपना क्या है? बेंजोइक एसिड है, ठीक है? ये क्या करेगा अपना? जो CA और इसमें से एक Cl ले लेगा, ठीक है? इसमें Cl के अटैच हो जाएगा, तो अपना क्या बनेगा? बेंजोइल हलाइड बना लेगा, ठीक है? देन क्या करेगा अपना? जो ये बना लिया बेंजोइल हलाइड, बेंजाइल हलाइड बना लिया, ठीक है? तो यहाँ पे कितने रह गए? Cl4 रह गए, और यहाँ पर Cl3 और PO, P और यहाँ से एक अपना O बच गया था, ठीक है? ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है? तब ये क्या बना लेगा अपना? फोस्फोराइल क्लोराइड बना लेगा, और प्लस HCl, एक और तीन HCl इधर थे, और इधर Cl3 थे, और एक इधर चार हो गए, इधर पाँच, ठीक है? तो यहाँ पर HCl बना लेगा। तो थर्ड अपने पास है क्या है? ईस्टर फॉर्मेशन। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। इट रिएक्ट विद अल्कोहल्स एंड इट इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म एस्टर। तो देन ये क्या हो रहा है? जो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, तो बेंजोइक एसिड को हमने क्या किया? खोल के लिख लिया है COOH, ठीक है? देन क्या करेगा? इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? ईस्टर बन जाएगा, ठीक है? देन ये देखो, तो COOH है, ठीक है? देन क्या करेगा? तो जो C2H5 है, ये यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, देन C2H5 का ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है? देन ओ और देन ओ एच है, ये अपना वाटर बना लेंगे, ठीक है? तो अपना यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फोर्थ है अपने पास डी कार्बोक्सीलेशन। तो डी कार्बोक्सीलेशन हमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बोक्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, इसमें रिमूवल होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हो गया? COOH वाले, ठीक है? इसमें क्या होता है? जो बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन आफ्टर डी कार्बोक्सिलेशन इट गिव्स बेंजीन एंड रिलीज CaCO3। तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है? तो जो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, क्या करेगा? CaO के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या बना लेगा? बेंजीन बना लेगा, प्लस CaCO3 बना लेगा। तो जैसे ये देखो, जो COOH है, ठीक है, ये CA और CO2 यहाँ से, और ये यहाँ पे CO3 बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, और जो इसका एच था यहाँ पे आ गया, तो ये अपना सिंपली बेंजीन बना लिया।